Amen.
Yeah.
जो जय ही तम मम करनी
Okay.
लोकगीत गा रहे हैं तो एक जो मिट्टी की खुशबू होती है, फोक का मतलब होता है मिट्टी की खुशबू से हमारे देहात से गांवों से जुड़े हुए गीत, उसमें वो मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, वो एक तरह की भाव झूम उठे
शास्त्रीय नृत्य जो आपका गीत होता है उसमें तो आपको बहुत तालबद्ध होके और बहुत सारी चीजों को अपना लेके चलना होता है, लेकिन हम जब लोक गीत गाते हैं तो हमारे जो पब्लिक है वो झूम जानी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। यहाँ आमंत्रित किया है आप सबके बीच में, और बचपन ने बहुत अच्छा गाया और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, ये यहाँ पे प्रस्तुति जब बच्चों ने दी उसमें दिखाई दिया। बहुत सारी कमियाँ भी थी जो आप शायद जब इसको सुनेंगे अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो उसमें आपको पता लगेगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग देखिए कोई भी गीत गाएँ और संगीत से जुड़ा हुआ है तो सुर लय और तालो बहुत जरूरी है, और यहाँ पे सुर की बहुत कमी मुझे नज़र आई है सभी में। अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, आप लोग नेशनल लेवल तक जाएंगे जैसा कि मुझे यहाँ पता लगा है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना टफ होता जाता है कॉम्पिटिशन, तो अभी से कहीं से अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको इसमें फ़ायदा होगा। आप यहाँ जीते हैं आप नेशनल लेवल पर लेके आएँ, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ यहाँ आप सबसे, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे रामपुर नेशनल लेवल तक जरूर जाए। अच्छा एक आप लोग में गीत है, लोकगीत को समझना जरूरी है, पहले लोकगीत को समझिए, आम जनता गीत है और इसमें भजन बोल बहुत सारे हैं, लेकिन लोकगीत हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुत तरीके गाए जाते हैं, अभी हैं भोजपुरी हैं ब्रज के लोकगीत हैं, और हमारा रोहिलखंड रामपुर रोहिलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रोहिलखंड के लोकगीत हैं यहाँ पे। इसमें दो लाइन बताऊँगी हुई फिर मुझे गाते गाते ध्यान पूरा नहीं आया जो लोकगीत रोहिलखंड का है ये उसके दो लाइन मैं आपको बताती हूँ।
और उसी बाहुबल के साथ उन्होंने इस प्रतियोगिता